अच्छा योगी आदित्यनाथ से आपकी कोई बात हुई? हमने आपसे ये भी कहा कि मुझको किसी नेता से कोई गुरेज नहीं। नहीं नहीं गुरेज नहीं है, बातचीत हुई कि नहीं हुई स्वामी जी? बातचीत जब करना था तो किया, इस्तीफा देने के बाद अब बात करने का कोई औचित्य नहीं। अच्छा आप ये कह रहे हैं आपके साथ बहुत सारे विधायक हैं, हाँ आज कुछ इस्तीफे आए भी, आपने कहा 6 लोग आपसे मिले हैं उसमें से 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, कितने? मैंने आपके चैनल पर ये कभी नहीं कहा कि इतने मंत्री और इतने विधायक आ रहे हैं, जो भी आएगा सबका स्वागत है। कितने आ रहे हैं? ये 14 को आपको मालूम हो जाएगा। नहीं आप ये बता दीजिए, दर्जन भर है, दर्जन से कम है, 4 है, 5 है, इतना तो बता ही सकते हैं। अरे उस खुशबरी को सुनने के लिए थोड़ा समय दीजिए, 1-2 दिन और इंतजार करिए। अमित शाह जी से आपकी बातचीत हुई? खबर का मजा बेमजा नहीं होना चाहिए। देखिए बात हमारी सभी नेताओं से होती रहती है, और ये भी कहा मैंने, हमको इनकी गलत नीतियों से विरोध है, नेताओं से कोई विरोध नहीं है, बल्कि मैंने तो अपने ट्विटर के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, सबको जो 5 साल में हमें स्नेह और प्यार व्यक्तिगत मिला है उसके लिए इनको मैंने थैंक्स किया है। आपको कुछ नेताओं को मनाने के लिए ड्यूटी भी दी गई है बीजेपी में, सुनने में आ रहा है। अब राजनीति में ये सब चलता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अलग आईने से नहीं देखना जाना चाहिए। नहीं आप मान जाएंगे? 2 दिन है, मान भी तो सकते हैं आप, ऐसा हो सकता है? अब रूबिका जी मैंने कहा जब कमान से तीर निकल जाता है तो निकला हुआ तीर कभी कमान में वापस नहीं आता। अच्छा सुनिए योगी जी, अगर अभी आपको सुन रहे हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू से पहले मौर्य जी। नहीं हम योगी जी के साथ साथ पार्टी के सभी बड़े नेताओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मुझे किसी व्यक्ति विशेष या नेता विशेष से कोई शिकवा शिकायत न थी न है। गलत नीतियों का विरोध समय समय में करता रहा हूं, आज गलत नीतियों के चलते मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। अच्छा ये बताइए आपकी पारखी नजर क्या कह रही है, इन चुनावों में किसकी जीत होगी? इसका जवाब लिए बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जवाब दे दीजिए, किसकी जीत आपको लग रही है इस बार? आप ये जानती हैं मेरा जो फैसला होता है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनाने और बिगाड़ने दोनों की भूमिका अदा करता है। स्वाभाविक रूप से मेरा ये फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार के ताबूत में अंतिम कील होगा। हाँ आप पर ये कील कौन सी फ्रेम पे जाकर लगेगी कि उसको आप सरकारी तौर पर दीवार पर चिपका सके, ये भी तो बता दीजिए। अब इसमें हम आपका सहयोग ले लेंगे तो आप बता दीजिए। आवश्यकता आने पर वही बता देंगे। अच्छा सबसे बढ़िया अभी खिलाड़ी कौन दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश में, कौन अच्छा काम कर रहा है? अब बहन जी अखिलेश जी योगी जी तय करता है। नहीं आप बताइए ना, आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर किसे बढ़िया खेलते हुए देख रहे हैं, प्रियंका गांधी? देखिए 2012 के पहले बहन जी जैसा कोई नेता नहीं था, कोई मुख्यमंत्री नहीं था। 2012 के बाद जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनोहर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से विचलित हुई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मनोहर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हटी, अलग हुई, दूसरे रास्ते पर चली, उसका नतीजा आज बहन नहीं, ये तो आप इतिहास की क्लास लेने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य साहब। नहीं मुझे बस ये बताइए आज की तारीख में, 2012 में मत जाइए ना, मैं कह रही हूँ 2022 में आज की तारीख में बढ़िया राजनेता कौन है? अब हर चीज एक दिन में ही मत जानिए, हम इसको अलग से आपको बता देंगे। बहुत बहुत कड़े तरीके से आप अपने दिल की बात जो है
वो लबों पे जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन आप जहां का रास्ता बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आरोप आपके ऊपर खूब सारे लग रहे हैं, उसका आपने जवाब देने की कोशिश की। अब देखें कि आपके समाज के लोग और वहां उत्तर प्रदेश की जनता किसका साथ देती है। फिलहाल बड़ी खबर यहां पर यह कि 15 तारीख को यानी 15 जनवरी को तय करेंगे स्वामी, माफ कीजिएगा 14 जनवरी को, कि कहां जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रास्ता तो आपको दिख ही गया है। ABP News आपको रखे आगे।